यमुना नगर से। मेरा डॉक्टर गुप्ता से क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने बड़ी अच्छी बात कही कि मतलब अगर थोड़े से भी सिम्टम्स हैं तो आप दवाइयां लेनी शुरू कर दीजिए, तो आप प्लीज वो बता सकते हैं कि जो हम घर बैठे अगर हल्के से भी सिम्टम्स हैं तो हम कौन सी दवाइयां ले सकते हैं घर में बैठे हुए कि हमारी मतलब ऐसी सिचुएशन ना हो कि कल हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए। जी डॉक्टर सुतीश, आपका क्वेश्चन मैंने बताया भी था पहली बार। देखिए कोरोना की कोई रामबाण दवा अभी नहीं है, वैक्सीनेशन भी थिंकिंग कि हम दो साल बाद सारे सबको वैक्सीन कर लेंगे, लेकिन अगर आपको सिम्टम आ गए हैं और आप एक्सपोज्ड हैं, आपको दवाइयां तो लेनी है, एक एंटीबायोटिक लेनी है जिसमें दो तीन एंटीबायोटिक काफी पॉपुलर है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। मेरी पर्सनल सोच है ट्राइमेथोप्रिम, सेफ्ट्रान के नाम से आती है, विच ऑल्सो हैज एंटीवायरल एक्टिविटी, मेरे फादर ने कल बताया फार्माकोलॉजिस्ट है। तो सेफ्ट्रान जो बहुत पुरानी दवा है कैन ऑल्सो बी यूज एज एंटीबायोटिक फॉर दिस पर्पज, इट हैज ऑल्सो एंटीवायरल एक्टिविटी ट्राइमेथोप्रिम। साथ में आपको आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम नॉर्मली लोग एक टैबलेट रोज देते हैं वो दीजिए, कम से कम 5 दिन दीजिए, 3 दिन मुझे बिलीव नहीं होता। साथ में हाई डोज विटामिन सी, जिसमें एक विटामिन सी टैबलेट आती है 500 मिलीग्राम की, ये टैबलेट रोज खाने से मतलब नहीं है, 2 टिक्कियां सुबह शाम, और साथ में कोक्यू एंजाइम और जिंक वाला कंप्लीट विटामिन लीजिए। इतनी दवाई अगर शुरू कर देंगे और अगर बुखार है तो उसके लिए आप क्रोसिन तो लेंगे, जो पैरासिटामोल है वो लीजिए इतने से, और काफी ज्यादा एक्स्ट्रा फ्लूड लीजिए, पानी पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, सेकंड स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे। 3 दिन के बाद अगर बुखार उतरता नहीं है, आपको लगता है, तो फेविपिराविर का भी रोल बनता है, अगर फेविपिराविर दे देंगे तो आप सेकंड स्टेज पे शर्तियां नहीं पहुंचेंगे। अर्ली ट्रीटमेंट की टू सक्सेस फॉर दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक। जी हमारे साथ एक और कॉलर, हमारे साथ एक और